दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अकरम सादिक व्लॉग्स में। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं दिल्ली की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही तारीखी जगह, इसका नाम है इंडिया गेट। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे इंडिया गेट की पूरी हिस्ट्री, कि इंडिया गेट का असली नाम क्या है, ये किसने बनवाया था, क्यों बनवाया था और कब बनवाया था। और इसी के साथ साथ आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया गेट की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए देखते हैं। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं इंडिया गेट के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन सेंट्रल सेक्रेटरिएट, और हम यहां से कर्तव्य पथ से होते हुए इंडिया गेट जाएंगे। तो ये वही कर्तव्य पथ है जिसका पुराना नाम राजपथ था। और दोस्तों राजपथ से कर्तव्य पथ नाम चेंज करने की हिस्ट्री ये है कि आज़ादी से पहले 1911 में जब किंग जॉर्ज ने कोलकाता को छोड़कर दिल्ली को इंडिया की राजधानी बनाया, तो उनके वेलकम के लिए इस रोड का नाम किंग्सवे रखा गया। और फिर आज़ादी के बाद 1961 में इसको चेंज करके राजपथ कर दिया गया, जो कि किंग्सवे का हिंदी ट्रांसलेशन है। इसीलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसका नाम बदल कर कर्तव्य पथ रखा, ताकि कोई भी निशानी गुलामी की बाकी ना रहे। और दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि इंडिया गेट को कितनी खूबसूरती से सजाया गया है। और दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि पानी में जाना अलाउड नहीं है, जबकि लॉकडाउन से पहले लोग इस पानी में खूब एंजॉय करते थे। और दोस्तों ये है हमारा इंडिया गेट। अगर हम बात करें कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया, तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार और थर्ड एंग्लो अफगान वार के दौरान 84,000 इंडियन सोल्जर्स ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को बचाने के लिए अपनी जानें गंवा दी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीय सोल्जर्स की इस कुर्बानी से बहुत मुतासिर हो गई, और उन सोल्जर्स की कुर्बानी को याद रखने के लिए इंडिया गेट बनवाने का फ़ैसला लिया। इसके बाद 1921 में विन विक्टोरिया और प्रिंस अल्बर्ट के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी। और दोस्तों जिस आर्किटेक्चर ने इंडिया गेट को डिज़ाइन किया है उसका नाम सर एडविन ल्यूटन से। और इंडिया गेट को कंप्लीट तैयार होने में तकरीबन 10 साल लगे, यानी 1921 में बनना शुरू हुआ और 10 साल बाद 1931 में कंप्लीट हुआ। और कहा जाता है कि इंडिया गेट को पेरिस में मौजूद एक स्मारक आर्क दे ट्रॉम्फी से इंस्पायर होकर बनाया गया। कहा जाता है कि पेरिस के इस स्मारक को भी नेपोलियन वॉर्स में जान गंवा देने वाले ब्रिटिश सोल्जर की याद में 1836 में बनाया गया था। और अगर हम बात करें इंडिया गेट की हाइट की, तो इसकी हाइट 42 मीटर है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया गेट पर आज भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिकों और अधिकारियों समेत 13,000 से भी ज़्यादा वीर जवानों के नाम देखने को मिल जाते हैं। और दोस्तों इंडिया गेट में इस तरह के बहुत सारे फाउंटेन्स हैं, और ये शाम के टाइम लाइटिंग के साथ चलाए जाते हैं, और हम इसी वीडियो में आपको शाम का व्यू भी दिखाने वाले हैं।
और दोस्तों 1931 में जब इंडिया गेट बनकर रेडी हो गया तब इसका नाम ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था। दोस्तों इंडिया गेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आज़ादी से पहले ही बनवाया था, इसलिए इंडिया गेट के पास किंग जॉर्ज फाइव का एक स्टैचू भी बनवाया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने किंग जॉर्ज फाइव का स्टैचू यहां से हटाकर किसी दूसरे पार्क में शिफ्ट कर दिया है और अब यहां सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू लगा दिया गया है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि अभी हमने बताया था कि इंडिया गेट को वीर जवानों की याद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था, तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ एक नेशनल वॉर मेमोरियल वीर जवानों के सम्मान में बनाया है, जिसमें 3D आर्ट के जरिए वॉर के सीन्स दिखाए गए हैं और ये सीन्स हम आपको इवनिंग टाइम में लाइटिंग के साथ दिखाने वाले हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इवनिंग टाइम में लाइट्स ऑन हो चुकी है और भीड़ भी बढ़ती जा रही है और अभी हम अंडरपास से गुजर रहे हैं जो कि अभी नए बनाए गए हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इंडिया गेट का इवनिंग व्यू। तो दोस्तों इवनिंग में लाइटिंग के साथ कुछ इस तरह होता है इंडिया गेट का नज़ारा। आप देख सकते हैं कि इवनिंग में नेशनल वॉर मेमोरियल देखने के लिए कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो आइए लाइन में लगते हैं और देखते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल दोनों को देखने के लिए कोई टिकट नहीं है, आप फ्री में इंजॉय कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं वहाँ के खूबसूरत और 3D आर्ट को।
तो दोस्तों ये था हमारा इंडिया गेट का ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में बताएं कि इवनिंग का व्यू ज़्यादा अच्छा लगा या मॉर्निंग का। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।